Hey, what's good, Western gang? It's your boy Opium and Jen. I'm back with the new reaction video. अभी मतलब opium क्या करूँ? गाने उसके अच्छे, आर्टिस्ट अच्छा है, लगाया अच्छा लगता है, ये सब क्या जरूरत है? गई ये सब क्या है? हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा। सबसे पहले तो वो सब छोड़ते वेस्ट साइड गैंग को और जो भी नया जॉइंट हुए वेस्ट साइड गैंग में 35K के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोग को और मेरे को भी, जो नया नया जॉइंट हुए जो सपोर्ट कर रहा है, जो चले गए वो वापस आएंगे, ये मेरा गारंटी है। बचका नहीं लोग, अभी बड़े नहीं हुए, जैसे बड़े हुए लोग वापस आ जाएंगे। जब फिर डैडी इज हियर एवरी टाइम। डेढ़ साल में अपना 35K हुए, 34K पे अटका था, फिर आगे बढ़ रहा था, फिर जा रहा था। तो फाइनली वो कर सटा 35 के, अपन ने पूरा किया। अभी अपन कम सब्सक्राइबर लूज कर रहे क्योंकि डेढ़ साल हो गए, अभी तो शायद हट जाने मांगते वो पब्लिक। तो जो भी चले गए वो तो क्या बोलूँ मैंने, क्या वो जो डायलॉग है, आने वाले को वेलकम है, जाने वाले को गर्दी कम है, जेड़े चाली जरा भी नहीं। तो ये आर्टिस्ट जो मैं अभी से कुछ एक तारीख या 31st कितने का महीना मालूम नहीं, तब तक मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। सब अंडररेटेड आर्टिस्ट है, दिन के दो आएंगे, अगर उसके बीच में कोई बड़ा आर्टिस्ट जो मेन स्ट्रीम है, क्योंकि चाहिए अगर तुम लोग ऐसे अड़ जाएंगे ओरिजिनल है तो तुम लोग मालूम, थक गए लाऊ मैं रिएक्शन कर करके, झूठ बोलूंगा नहीं, ये नकली एक्साइटमेंट दिखाने का मन नहीं करता, करूँगा बट लाइव स्ट्रीम पे करूंगा, और बहुत कुछ करने का मेरे को, बट डिले होते जा रहा है। जैसे अपना सब्सक्राइबर डेढ़ साल लग गया, वैसे यूट्यूब का पेमेंट को भी एक महीना डिले हो रहा है। कभी पेमेंट आएगा, कभी मैं सामान लेंगा, कभी मैं लाइक करेगा, खुदा जाने क्या होने वाला है। तुम लोग का दुआ रहना चाहिए मेरे साथ, जो भी मेरे 100 जन की तुम लोग देखने आएंगे लाइव, कौन कौन देखने आएगा कमेंट करो। द ओजी फैम कमेंट करो, तुम लोग लाइव देखने आने वाले है क्या? ज्यादा देर नहीं, धप्पा होने वाला, पर ऐसा मैं कुछ प्लान नहीं करेगा, सीधा धप्पा लाइव, जीड़े चली जरा भी नहीं। और जितने भी रेगुलर है, जो भी देखते, जो ऐसा क्लिक करते, सबको मॉड मिलने वाला है। तो मैं वो भी देख रहा नहीं क्या, नजर रखे लाऊ मैं 4-5 जन में। तो लेट्स गो सुनते MC ब्लाइंड को, तुम लोग सुना रहेगा, इतना आगे है। अब मैं बताना चाहूंगा इमो वेव के बारे में क्या हो रहा है। कोई भी इमो वेव कर रहा है, कोई भी इमो रैप करने लगे है, जिसको लिखने आता है या नहीं आता है, जिसको लिखने आता है उसको बीट पे बजना नहीं आता है, या तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। जिसको लिखने भी नहीं आता वो बीट खर्चा कर रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहा है और बना दे रहा है। अरे क्यों करने का है? फैशन नहीं है ये, टिकटॉक नहीं है, रील नहीं चालू है इधर कोई, कपड़ा बदला आया ऐसा नाचा, गाना है रैप ही। 2024 चल रहा, सीख भी क्या होने क्या, आराम से थोड़ा सजेशन मेरे को आना चाहिए नहीं। और उसके बाद में ये लोग अपना आर्मी भेजते पूरा 10-15 लोग, बोलते ये गाना बहुत हिट है ये सुनो, फिर सुनेगा ना तो तुम लोग को नहीं क्या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। जो भी अभी सब्सक्राइब किया ना मेरे को, डेढ़ साल लगे 1000 सब्सक्राइबर करने, भाग जाएंगे वो लोग, ऐसा गंदा गंदा रैप है। और तुम्हारे सुधार के लिए बोलता मैं, सुधर जाओ, ऐसा कोई क्रिएटर तुमको सिखाने नहीं वाला इधर पे, कोई किसको फर्क नहीं पड़ता, जाके देख लो सब आते ऐसे ही क्या सब्सक्राइबर है। लड़की लोग का तो बहुत हार्ड चल रहा आजकल, किधर अपन मेहनत करते, किधर पंच लाइन डालते, किधर ह्यूमर डालते, किधर कुछ आयरनी करते, लड़की लोग को क्या करते हैं तुम लोग, बोला लिपस्टिक लगा खत्म हो गया, बलम पीस कर, यही तुम लोग का है सत्य, झूठ तो बोल रहा नहीं, सब आ रहा नहीं, तुम लोग कोई सुधरेगा नहीं, कुत्ते तुम लोग, मिलेगा नहीं जगह, जगह नहीं मिलेगा ऊपर। तो लेट्स गो, ज्ञान की बातें ज्यादा हो गई, अभी चालू करते अपन गाना। गाने का नाम है खो दिया बाय MC ब्लाइंड, हु इज इंस्पायर्ड बाय MC इंसेन। तो इमो गए कमेंट कर दो, ऑफिशियल ऑडियो सुनते कैसा है।
ज्यादा नोशी चश्मे उसमें का लाड़ मेरे को पसंद नहीं, पर क्या करूं पहनना पड़ता, क्योंकि तुम लोग ने जो दुख दे दिया मेरे को मेरे आंखों से छुपाना पड़ता, समझ रहे। चश्मा मैं ऐसे नहीं पहन रहा, जो दुख तुम लोग ने दिया है जो सब्सक्राइब नहीं करते वही आंसू छुपाने के लिए मैं चश्मा पहनता हूँ। सब्सक्राइब करो करो सब्सक्राइब। ये गाना चूज करने का भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि 50 जन ने ये कमेंट की है वो क्वेश्चन में कि ये गाना तो चाहिए, ये गाना तो चाहिए। और खास करके लड़कियां, देखो अंडर एज लड़की लोग का मालूम नहीं, बट जो भी 20-19 है यू कैन डीएम, डीएम करो, बिंदास बात करेंगे अपन, कोई चिंता नहीं। एमसी ब्लाइंड के बारे में बात करेंगे, तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट है ना उसके बारे में बात करें, कोई चिंता नहीं। डीएम मी, वी विल टॉक, या लेट्स गो तरफा सा हो गया, जा मिली थी तू वहां से मैं खो गया, तेरे अलावा यहाँ कौन संभालेगा, कैसे बोलो तो फिर बंदा ये क्यों टालेगा, हर बात पे उठना तेरा वो तो खाम का, ढलता हुआ सूरज और तू ढलती हुई शाम सा, क्यों मंजिलों में तुझे ढूंढ ना पाऊँ, तेरी उन यादों को भूलना चाहूँ, पर यादें तुझे मेरी आती रहेगी, वफा मेरा तुझको सताती रहेगी, तू मुझको बुला लास्ट गाना अगर तुम लोगों ने सुना रहेगा तभी से अपने को मालूम था। तो ये गाना पहले का है, अभी का नहीं है, बट इस पे ज्यादा व्यूज है और इसका डिमांड ज्यादा था। ही नोज व्हाट ही डूइंग, मतलब अगर कोई इमो रैप कर रहा है अंडरग्राउंड में तो मैं इसको देखता हूँ, ही इज रियली इंस्पायर्ड, उसके वर्क में भी दिखता है, जैसे तुम लोग सुन सकते हो वोकल्स विकल्स हार्ड है और लिरिक्स भी अच्छा लिखता है, इसके लिए हके हके इमो क्या है, तुम लोग क्या बोलते हो। मंजिलों में तुझे ढूंढ ना पाऊँ, तेरी उन यादों को भूलना चाहूँ, पर यादें तुझे मेरी आती रहेगी, वफा मेरा तुझको सताती रहेगी, तू मुझको भुला ना पाएगी, ओ यारा तू मेरी जहन में है यही सारा, मोहब्बत में तुझको हमने चुना है, पर तूने यारा किसी और को चुना है, लिपट के तूने किसी और को चुना है साली, तू मेरी जहन में है यही सारा, मोहब्बत में तुझको हमने चुना है, पर तूने यारा किसी और को चुना है, लिपट के तुम्हें हम लेना साथे साथ, पर जिसने तोड़ा दिल वही तेरा खास है, जमाना कहता है तेरी जगाने, जिसने तोड़ा दिल वही तेरा खास है, दिल तोड़ने वालों हरामियों कुत्तों को चुना है, लिपट के तुम्हें हम लेना साथे साथ, पर जिसने तोड़ा दिल वही तेरा खास है, जमाना कहता है तेरी जगानी, कुछ खामियां है मुझ में खास तुमको लगाने, कहती भी थी तुम मुझे छोड़ के ना जाओगे, किसको पता कि तुम छोड़ के यू जाओगे, माँ भी छोड़ के जो तू गई है मेरे को भैर की रवरी, गाने कुछ खामियां है मुझ में खास तुमको लगाने, कहती भी थी तुम मुझे छोड़ के ना जाओगे, किसको पता कि तुम छोड़ के यूं जाओगे, माँ भी अब कहती है बात करता क्यों नहीं आजकल, जो तेरे साथ बातें करती पूरी रात भर, कैसे बताओ ने वो किसी और की है, पाना तो चाहता हूँ पर आएगी ना लौट के, मेरी थी मेरी है मेरी रहो ना, जो पल तूने मुझे खो दिया,
आई लाइक द वोकल्स, लेट मी सिंग विद यू, लेट्स गो एमसी ब्लैंक। तो जख्मों के आंसू निकाले वो क्या तूने मुझे खो दिया, जोक सा पार्ट। बकचोदी छोड़ो क्योंकि मैं प्यार में नहीं, तो मैं बकचोदी किया। ही इज अ गुड आर्टिस्ट। लास्ट रिएक्शन भी देख सकते हो, वो भी आ जाएगा इधर। मैं जोन में नहीं हूँ इसके लिए मैं थोड़ा मजे लिया। बाकी अगर तुमको अच्छा गाना अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके सुनेंगे। इमो गैंग व्हाट्स गुड, जाके सुनो भाई को, नीचे लिंक के सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा तो। और इसका इमो गैंग ये भाई का भी गैंग है, मेलो गैंग, जिसमें क्यूट क्यूट कन्याएं हैं। यू कैन डी एम ई एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। और दिल पे नहीं लेना कुछ भी, सब मजाक खेल है, उसको मालूम है। वी चैट वे बात होते रहता मेरा उससे। हाँ और हाँ, पैसा वैसा नहीं लेता हूँ मैं कुछ भी, दिल से अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं कर देता हूँ। और डिमांड भी था इतना, तो तुम्हारा डिमांड तो मैं सुनता ही हूँ। तो लेट्स गो इमो गैंग, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे को भी करो और भाई को भी करो, जाके सुनो। एक नंबर गाना, इंस्पायर्ड बाय एमसी इनसेन भाई। 100 बार बोलूँ क्या तुम लोग को, इमो वेव आ गया, ऐसा सुनामी, ऐसा डूब के मर जा रहा मैं उसमें। इमोशनल कर दो, लड़की नहीं है कोई, अरे लड़कीच नहीं है, किसके लिए रो मैं। छोड़ो वो सबने, क्या डीएम करो, मेरा दिल तोड़ो फिर मैं रोऊंगा, मेरा वही छे। आओ डीएम करो, बातें करो मेरे से, नकली नकली दिल तोड़ो मेरा, फिर मैं गाना एंजॉय तो करूँ, मैं गाना फील ही नहीं होता, पत्थर हो गया नहीं क्या। बाकी जाके सुनो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते तुम लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट बिचेस। मैं स्पीड करा शिट बोलता, तुम लोग ने नाम रखा पे। मैं सोबर में अकेले आज भी चिपकाता, डरता मैं रोने से, बात करता खुद से, खुद को करता मैं प्ले। कितनी तो रात जगा, मार फूका खुद को, मैं समझाया जूस बोल, सच बोला और गलत से।